थोड़ा दूर हो के मोबाइल अभी मेरा जिम्मेदारी भी ऐसा है कि अपने जितने अल्पसंख्यक हमारे जो माइनॉरिटी सब सबको देखभाल करना भी मेरा जिम्मेदारी है। आपसे मुलाकात होना अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कुछ बातें हैं तुमने बाद में आपसे खुशी तौर पर इस मौके पे बताऊंगा इंशाल्लाह। मजालिस चल रही है, आप दिल्ली आना होता है बीच बीच में, कितने बार आते हैं? तो कई बार आते हैं, चार पाँच बार आता हूँ। आज आपके पास आए हैं, अगले बार आप दिल्ली में जरूर मेरे वहाँ जरूर आइए। मैंने काफी सोचा है करगिल के लिए, मेरे दिमाग में प्लान है, मैं आपको शेयर करके आपका आशीर्वाद है। फिर यहाँ के जितने सरकारी सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम कुछ मार्क डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, अभी तीस वक्त इतने जो हजारों लोगों का आज ऐसे जो सामने में मुलाकात होना तकरीबन 5 क्विंटल ये 10 दिन चलते हैं, 13 दिन ये सारा आपके ऊपर में इतना बड़ा बोझ है, आप पूरा हैंडल करना पड़ेगा इसको। बहुत पब्लिक कंट्रीब्यूशन और अभी डिपार्टमेंट पूरा प्रशासन से अभी थोड़ा मैन ये हो रहा है तो ज्यादा बोझ यहाँ पर आते हैं, तो इतने पूरा नहीं हो रहा है। ये हमने कहा है सर, जैसे सिंधु दर्शन का होता है ना गवर्नमेंट ये करते यूटी, इस तरह हमारे जो भी मतलब बुद्धिस्ट फेस्टिवल हो, हमारे मोहर्रम को हमारे लिए सबसे बड़ा ये है, ये 10 एक महीना मुकद्दस है। जब 13 दिन का प्रोग्राम भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि हमारा ईरान के साथ जी हिंदुस्तान का जो रिश्ता है बहुत स्पेशल है, हम लोग बहुत चीज बाहर बोलते नहीं है जी। बहुत दबाव है बाहर पश्चिमी देशों से, लेकिन हमने एक तय कर लिया कि हम ईरान से दोस्ती नहीं छोड़ते, ये हमारा अभी का नहीं है, हमसाया है। हाँ, हमसाया है और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बहुत पुराना है। तो इसमें जब कोविड हुआ तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने स्पेशल यहाँ के लोगों को जयपुर से जयपुर में लेकर रखा। तो امام و اس حکومت رشیدت میں کیا رشیدت میں وقتی کہ اکثریت کا امام و حکومت مر گفت رہا یا امام صادق امام باقر دو سنگ 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 میرا کرگل میں اس بار کا جو وزٹ ہے بہت مہتوپورن ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی کافی چیزوں کا ہم نے شروعات کی ہے और आगे जाकर के बहुत ज़्यादा हम काम करने वाले हैं। यहाँ हमारे जितने अल्पसंख्यक हैं खास करके मुसलमानों के लिए और बौद्ध के लिए दोनों के लिए विशेष कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं, और मेरे लिए विशेष बात मुहर्रम के समय में यहाँ इस्लामिया स्कूल में और यहाँ सेंटर में आकर के इतने लोगों से मिलना और शेख नजीर साहब से और फिर बाकी यहाँ जितने भी जो रिलीजियस लीडर हैं उलेमास हैं बाकी सब से मिलना। हाँ, अभी मैं यहाँ इस्लामिया स्कूल में हूँ, फिर मैं आईकेएमटी में भी जाऊँगा।
दोनों में, तो मेरे लिए ये बहुत खास है। और आगे हम करगिल के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए पूरा मेरा दिल में है और प्लान जो है वो करके रखा है, सबसे तालमेल करके हम काम करेंगे। सर, माइनॉरिटी अफेयर्स करगिल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश किया जाए, उसमें साथ साथ जो मौलाना आजाद फाउंडेशन था सर, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया तो ड्रॉप किया, तो उस पे क्या कुछ आपका काम है? हम यहाँ यूपीएससी कोचिंग के लिए मदद करेंगे, यहाँ के करगिल के बच्चों को आगे जा करके एग्जाम दे सके उसके लिए, और साथ साथ में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करूंगा, कल्चरल एजुकेशन और हेल्थ में भी मैं मदद करने के लिए अभी सोचा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि हमारे जितना भी कम्युनिटीज हैं सबको साथ में लेके चलेंगे, और खास करके कारगिल में जो बौद्ध भी है और जो मुसलमान भी है, बराबर हम आगे लेके जाने के लिए हमारे पास योजना भी तैयार है। सर, पार्लियामेंट में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेके सवाल टाइम का थोड़ा क्रंच है सर, प्लीज। अगर हमको मुख्यमंत्री जी से तो हक प्रदर्शन करते हैं, उसे साफ दर्द में पार्टी में लगे रहते हैं, और हमको मरानी है, फिर हमको इंजीनियर, फिर हमको कंपटीशन है ना।